राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में फास्फोरस के फायदे के बारे में और पोटास के फायदे बारे में कि हमें गेहूं की फसल के अंदर फास्फोरस और पोटास का महत्व क्यों जरूरी है, इनकी हमें उपयोग क्यों करना चाहिए, इनके उपयोग करने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं और इनका उपयोग ना करने से हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक सही और एक अच्छी जानकारी मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास के महत्व। पहले बात कर लेते हैं किसान भाई फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस तत्व की जो भूमिका है या फास्फोरस तत्व का जो योगदान है हमारी गेहूं की फसल में या अन्य फसलों में वो क्या है। तो किसान भाई फास्फोरस जो है ये जड़ों का जो विकास होता है, जड़ों के विकास में ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है। यदि हम फास्फोरस का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो गेहूं की जो जड़ें होती हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे ग्रोथ करती हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, जिससे कि जो हमारा पौधा होता है ये नीचे गिर नहीं पाता है और हमारी फसल काफ़ी मजबूत हो जाती है। इसके उपयोग से तनों की जो मजबूती होती है, तने भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल को काफ़ी मजबूती प्रदान होती है। इसके और किसान भाई फास्फोरस का जो हमारी फसल के लिए और ज़्यादा महत्व है वह है फूल और फल बनने के लिए, यानी कि हमारी फसल के अंदर जो फूल बनेगा, जो बीज बनेंगे, जो फल बनेंगे, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा योगदान हमारा फास्फोरस का रहता है। हमारा जो फल होता है इसे पकने में भी फास्फोरस का अहम योगदान होता है। मान लीजिए आपकी जो गेहूं की फसल है ये पकने में कुछ देरी कर रही है या फिर सही समय पर ये नहीं पक रही है तो हो सकता है आपकी फसल के अंदर फास्फोरस की कमी हो। किसान भाई जितनी भी हमारी दलहनी फसलें होती हैं उन सभी फसलों के अंदर हमें फास्फोरस का उपयोग जरूर करना चाहिए। दलहनी फसलों में भी हमें फास्फोरस का उपयोग हमेशा करना चाहिए और गेहूं की फसल में भी आपको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों का विकास होता है, तनों की मजबूती होती है, फल और फूल जो होते हैं और जो बीज होते हैं इन्हें बनने में भी काफ़ी मददगार ये साबित होता है। किसान भाई बुआई के समय यदि हम फास्फोरस का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर ना करें तो हमारी जो ग्रोथ होती है गेहूं की वे काफ़ी हल्की रहेगी, काफ़ी स्लो रहेगी और जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये भी फास्फोरस की कमी के लक्षण आपकी फसल में हो सकते हैं। कभी कभी आपको अपनी फसलों के अंदर दिखाई देगा कि आपके जो पौधों के पत्ते होंगे वो काफ़ी गहरे हरे होंगे, हल्के हल्के से नीले पड़ने लगेंगे, तो ये जितनी भी दिक्कतें होती हैं ये हमारी दिक्कतें सिर्फ फास्फोरस की कमी के कारण ही हमारी फसल में दिखाई देती हैं। किसान भाइयों यदि हम बात करें कि फास्फोरस की कमी कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादा, तो ये आपको जहाँ पर भी रेतीली ज़मीन होगी, रेतीली ज़मीन में फास्फोरस कमी बहुत ज़्यादा होती है, अम्लीय मिट्टी हो वहाँ पर भी इसकी कमी दिखाई जाएगी, क्षारीय मिट्टी हो वहाँ पर भी आपको इसकी कमी देखने को मिल जाएगी। भाई हमेशा ध्यान रखें यदि आपकी भूमि का जो पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच है तो आपके खेत के अंदर फास्फोरस जो है वह पूरी मात्रा में है। किसान भाइयों इसकी पूर्ति करने के लिए आप अपने खेत में डीएपी भी डाल सकते हैं, एनपीके भी डाल सकते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट डाल के भी आप इसकी कमी को अपनी फसल में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों पोटास के महत्व के बारे में कि गेहूं की फसल के अंदर पोटास के क्या फायदे हैं। पोटास यदि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं तो हमें क्या फायदा देखने को मिलता है, जिससे कि हमें अपनी फसल में पोटास डालना चाहिए। किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोटास का जो है हमारे जितने भी दाने वर्गीय फसलें होती हैं, जिन फसलों के अंदर दाने बनते हैं उन फसलों में हमेशा आपको पोटास का योगदान हमेशा आपको चाहिए, क्योंकि पोटास के होने से जो आपकी फसल होती है इसके दाने भराव के समय पोटास का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब दाने भरे जाएंगे, भराई होती है तो दाने का जो मोटापा होता है, दाने का जो फुलाव होता है ये हमेशा पोटास के कारण ही हो पाता है। यदि पोटास की कमी आपकी गेहूं की फसल के अंदर है तो आपकी गेहूं की फसल का जो दाना है यह पूरी तरह से फुलाव नहीं ले पाएगा और आपकी जो गेहूँ रह जाएगी ये काफ़ी बारीक रह जाएगी और आपका जो वजन है वह भी कम हो जाएगा और ओवरऑल जो हमारी गेहूँ की ग्रोथ होगी यह भी काफ़ी कम हो जाएगी। इसकी कमी के कारण हमारी जो फसल के तने होते हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी फसल पे चमक नहीं आ पाती है, दोनों का फुलाव पूरा नहीं हो पाता है, बालियाँ जो होती हैं हमारी गेहूँ की ये पूरी लंबी नहीं हो पाती है जितनी लंबी हमारी गेहूँ की फसल की बालियाँ होनी चाहिए और फसल पर चमक भी नहीं आ पाती है। तो इतनी सारी दिक्कतें मात्र पोटास की कमी के कारण हमारी फसल में मिल सकती हैं। यदि आपको इन सभी बातों से बचना है तो आपको अपनी फसल के अंदर पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। पोटास के बात कर लेते हैं, पोटास का उपयोग आपको किस मात्रा में किस तरह से करना चाहिए। तो आप अपने जैसे आपकी गेहूं की फसल में इसमें आप एनपीके 0050 का उपयोग भी कर सकते हैं, इससे भी आप अपने फसल के अंदर पोटास की मात्रा को पूरी कर सकते हैं। इसके बात कर लेते हैं इसका स्प्रे आपको कितनी मात्रा में करना होता है, तो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम
100 ग्राम या 200 ग्राम तक आप इसका उपयोग अपनी एक एकड़ फसल के अंदर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यदि हम इसका नीचे छिड़काव करना है तो इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी होती है। तो किसान भाइयों, एक एकड़ खेत के लिए लगभग आपको 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास की मात्रा अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। इसे आप यूरिया में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और इसे आप बालू रेत में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दी फास्फोरस और पोटास के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।